नमस्कार दोस्तों, तो आज हम करेंगे इस स्मार्टफोन का टोटल परफॉर्मेंस टेस्ट, हीटिंग टेस्ट और गेमिंग टेस्ट, और उसके साथ गेम जब हम खेलेंगे तो इसका एपीएस कैसा होगा, ये सब कुछ हम टेस्ट करेंगे। और एक कौन सा फोन है, जैसे कि देख सकते हैं इस स्मार्टफोन का नाम है आईक्यू Z9S Pro, जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है। 25,000 इसका प्राइस है, जिसका दर हमें मिलेगा Snapdragon 7 Gen 3, और मेरे पास इसका 8/128 GB वाला वेरिएंट। तो इसलिए इस वीडियो में देखें कि इस स्मार्टफोन का जो परफॉर्मेंस, उसके लेवल को हम कितना दूर तक पुश कर सकते हैं, और ये चीज हम कैसे करेंगे। जैसे कि देख सकते हैं ये जो AnTuTu बेंचमार्क स्कोर, मैं इसे लगातार 3 बार रन करूंगा, बीच में कोई भी रेस्ट नहीं। उस दौरान मैं देखूंगा इसका जो परफॉर्मेंस वो कितना इंक्रीज या पे डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर कितने ऊपर नीचे हो रहा है। जब ये जो टेस्ट खत्म हो जाएगा तो कोई भी रेस्ट नहीं, तुरंत शुरू हो जाएगा सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट, जो कि 15 मिनट तक रन होगा। इसे हमें ये चीज मालूम चलेगा लंबे समय तक सीपीयू इस्तेमाल करने के बाद इसका स्टेबिलिटी कैसा रहता है, और ऑब्वियसली हम इसका टेम्परेचर भी देख लेंगे। और जब ये सब कुछ हो जाएगा तो एपीएस मीटर ऑन करके और स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके BGMI, कॉल ऑफ ड्यूटी और फ्री फायर मैक्स को एकदम मैक्सिमम सेटिंग में खेलेंगे और देखेंगे कि इसका परफॉर्मेंस और हीट कितना मैक्सिमम जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त का। आज का वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप गैजेट चैनल पर नए हो और ऐसी टेक रिलेटेड वीडियो डेली देखना चाहते तो गैजेट चैनल को सबसे करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। अच्छा, पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, इसमें हमें एक्सटेंडेड रैम या फिर जिसे हम कहते हैं वर्चुअल रैम, उसका ऑप्शन भी मिलेगा, लेकिन मैंने उसे डिसेबल करके रखा है। और इस जगह पे देख सकते हैं मैंने परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए या फिर बैटरी ड्रेन को और भी ज्यादा करने के लिए जो मॉन्स्टर मोड और जो अल्ट्रा गेम मोड, उसे भी मैंने ऑन करके रखा है। तो अभी तो हम आज का टेस्ट शुरू करेंगे AnTuTu के राउंड 1 से लेके। तो इधर हमारा AnTuTu का राउंड 1 हो चुका है खत्म। और हाँ, एक चीज मैं बोलना भूल गया था, ये जो टेस्टिंग मैं शुरू कर रहा हूँ एक्जैक्टली 100% चार्जिंग से। तो राउंड 1 खत्म होने के बाद अगर हम इसके बैटरी लाइफ के बारे में बात करें, अभी भी 100%। और अगर हम टेम्परेचर की बारे में बात करें, 39 मतलब ऑलमोस्ट 40 के आसपास, 39, 37, 38, 39, 37 के आसपास, मतलब राउंड 1 खत्म होने के बाद इसका मैक्सिमम टेम्परेचर है 39 से 40 डिग्री के आसपास। तो अभी तक हम शुरू करेंगे इसका राउंड 2। तो इधर ही हमारा AnTuTu का राउंड 2 हो चुका है खत्म। बैटरी लाइफ देख सकते हैं आधे घंटे बाद ऑलमोस्ट बैटरी लाइफ पे 97%, मतलब 3% खत्म हुआ है। और अगर हम AnTuTu स्कोर की बारे में बात करें तो AnTuTu के राउंड 2 के बाद इसका स्कोर में 30,000 के आसपास डिफरेंस आ चुका है। और अगर हम इसके टेम्परेचर की बारे में बात करें, 40 से थोड़ा सा ज्यादा, 39 मतलब ऑलमोस्ट 40, 38, 38, 39, 38, मतलब लगातार 2 बार AnTuTu रन करने के बाद इसका टेम्परेचर ऑलरेडी 40 से 41 के बीच में आ चुका है। तो अभी तो हम शुरू करेंगे AnTuTu का राउंड 3। इधर ही हमारा AnTuTu का राउंड 3 हो चुका है खत्म। अभी बैटरी लाइफ पे 93%। और अगर हम स्कोर की बारे में बात करें, राउंड 2 और राउंड 3 के अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही स्कोर आपको मिलेगा। टेम्परेचर देख सकते 40 से 41 के बीच में, 38, 40, 39 मतलब ऑलमोस्ट 40 और 38, मतलब लगातार 45 मिनट तक AnTuTu रन करने के बाद मैक्सिमम टेम्परेचर हुआ है 41 डिग्री सेल्सियस। तो अभी तो हम बीच में कोई भी रेस्ट नहीं देंगे और शुरू करेंगे 15 मिनट के लिए जो सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट। तो इधर हमारा 15 मिनट का सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट खत्म होता है। ये चीज ध्यान में रखना, जब हमने ये जो टेस्ट शुरू किया था तब इसका टेम्परेचर था 41 डिग्री सेल्सियस। तो 15 मिनट रन करने के बाद भी इसका जो स्टेबिलिटी वो है 84%, मतलब स्नैपड्रैगन 7 जनरेशन 3 का जो हीट मैनेजमेंट या फिर जो स्टेबिलिटी वो काफी बढ़िया है। और अगर हम टेम्परेचर की बारे में बात करें तो देखिए ऑलरेडी 44 डिग्री है, लेकिन फिर भी स्टेबिलिटी है 84%। इस जगह पे 44, 40, 44, 43, 40, मतलब आगे पीछे दोनों जगह पे वही 43 से 44 के आसपास टेम्परेचर है। तो अभी तो हम शुरू करेंगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हुए ये सभी गेम में मैक्सिमम गेम प्ले। तो अभी तो हमारा गेम प्ले टेस्ट हम शुरू करेंगे BGMI से। तो BGMI पे अगर हम इसके मैक्सिमम सेटिंग के बारे में बात करें तो इस जगह पे देख सकते हैं इसमें आपको मैक्सिमम अल्ट्रा HDR और अल्ट्रा इस क्वालिटी में गेम प्ले करने को मिलेगा, लेकिन अगर आप HDR पे क्लिक करेंगे तो जो फ्रेम रेट वो हो जाएगा एक्सट्रीम पे। तो मैं इधर आपको इस एक्सट्रीम मोड पे गेम प्ले करके दिखाता हूं, क्योंकि देखिए इस जगह पे देख सकते हैं ये जो FPS मीटर है एक्चुअली GPU FPS मीटर है, मतलब गेम प्ले के दौरान जो GPU का जो FPS वो ही आपको दिखाएगा, ना कि डिस्प्ले का FPS। और इस वाले पे आपको एक्जैक्टली 60 FPS पे गेम प्ले करने को मिलेगा। तो अभी मैं इस सेटिंग में आपको गेम प्ले करके दिखाता हूं। Thank you.
तो इधर हमारा बीजीएमआई का एक छोटा सा गेम प्ले खत्म होता है। पहले तो हम बात करेंगे स्मूथनेस के बारे में। जैसे कि देख सकते हैं एकदम लगातार 59.9 एफपीएस या फिर एग्जैक्टली 60 एफपीएस पे ये जो पूरा गेम प्ले रन हो रहा था, चाहे एनिमी सामने आए या फिर कोई भी हो, ये जो एफपीएस एग्जैक्टली 60 एफपीएस के आसपास ही था। मतलब इसका जो गेम प्ले के दौरान जो स्टेबिलिटी वो परफेक्ट है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और ऑब्वियसली क्योंकि 60 एफपीएस पे रन हो रहा था इसलिए स्मूथनेस काफी बढ़िया होगा। और अगर हम इसके ऑडियो सिस्टम के बारे में बात करें, रिसेंटली मैंने इस प्राइस पॉइंट में जितने भी डुअल स्पीकर वाले स्मार्टफोन इस्तेमाल किया है, मतलब रिव्यू किया है, सबसे बेस्ट ऑडियो एक्सपीरियंस मुझे प्रोबेबली इसी फोन में देखने को मिला। मतलब गेम प्ले एक्सपीरियंस इस स्मार्टफोन का काफी ज्यादा बढ़िया है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे जायरोस्कोप सेंसिटिविटी के बारे में। इस जगह देख सकते हैं इसका जो जायरोस्कोप सेंसिटिविटी मुझे तो लग रहा है कि काफी ज्यादा फास्ट है, क्योंकि देख सकते हैं अगर मैं इसे लेफ्ट से राइट ऐसे में मूव करता तो ये जो स्क्रीन वो टोटल मूव हो रहा है। जैसे कि देख सकते हैं लेफ्ट से राइट ऊपर से नीचे, मतलब एटलीस्ट मुझे तो इसमें कोई भी जायरोस्कोप में डिले देखने को नहीं मिल रहा है। वैसे आपको इसका जो जायरोस्कोप सेंसिटिविटी वो कैसा लग रहा है कमेंट में मुझे जरूर बताना। तो नेक्स्ट हम ट्राई करेंगे कॉल ऑफ ड्यूटी। तो कॉल ऑफ ड्यूटी में अगर हम इसका मैक्सिमम सेटिंग के बारे में बात करें तो देख सकते हैं इसमें आपको ग्राफिक्स क्वालिटी मैक्सिमम VDI पे मिलेगा और जो फ्रेम रेट वो मिलेगा मैक्स पे। लेकिन अगर आप जो फ्रेम रेट इसे अल्ट्रा पे खेलने जाएंगे तो ये जो ग्राफिक्स क्वालिटी वो हो जाएगा लो पे। तो मैं इधर VDI और मैक्स इस सेटिंग में गेम प्ले करके देखूंगा, फिर एक मैच में करूंगा अल्ट्रा पे, जिससे आपको ये चीज मालूम चले कि मैक्सिमम कितना FPS आपको देखने को मिलेगा। इधर ही हमारा कॉल ऑफ ड्यूटी का एक 60 एफपीएस वाला मोड खत्म होता है और आप देख सकते हैं टोटल जो गेम बोर्ड रन हुआ है एग्जैक्टली 60 एफपीएस पे। मतलब ऑब्वियसली इसमें भी स्टेबिलिटी या फिर फ्रेम ड्रॉप में आपको कोई भी इशू नहीं मिलेगा, एकदम परफेक्ट गेम प्ले। और अगर हम ऑडियो सिस्टम की बारे में बात करें, एग्जैक्टली BGMI पे आपको जैसे लाउड साउंड मिल रहा था या फिर जैसे बढ़िया फुटस्टेप मिल रहा था, इधर भी एग्जैक्टली सेम। और नेक्स्ट हम ट्राई करेंगे इसका जो अल्ट्रा वाला मोड और देखेंगे कि इसका जो FPS क्या 90 FPS को टच कर पाएगा या फिर नहीं। और जैसे कि अभी FPS मीटर में देख सकते हैं मैं इधर जो गेम प्ले वो मैं विदाउट साउंड ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जो FPS वो ऑलमोस्ट 85 से 90 FPS के आसपास है। मतलब कॉल ऑफ ड्यूटी में आपको ऑफिशियली 90 FPS वाला जो मोड वो आपको देखने को मिलेगा। और इसके बाद फाइनली हम बात करेंगे फ्री फायर मैक्स के बारे में। इधर अगर हम इसके मैक्सिमम सेटिंग के बारे में बात करें, इस जगह देख सकते हैं इसमें आपको ग्राफिक्स में मिलेगा मैक्स, हाई रेजोल्यूशन हाई, शेडो को मैंने ऑन कर दिया और हाई FPS इसलिए मैंने हाई कर दिया। तो अभी तो हम देखते हैं कि फ्री फायर मैक्स में मैक्सिमम कितना FPS प्रोवाइड कर पाता है। तो इधर ही हमारा फ्री फायर मैक्स का एक छोटा सा गेम प्ले खत्म होता है और मैंने इधर दो मैच खेला, दोनों भी आप देख सकते हैं मैं MVP। ऑब्वियसली कोई भी हैंग लैग फ्रेम रेट मुझे देखने को नहीं मिला और BGMI या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी के जैसे ये जो फ्रेम रेट एग्जैक्टली 60 FPS के आसपास है, मतलब एकदम स्टेबल परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। और इस दौरान मतलब लगातार इसमें देख सकते हैं डेढ़ घंटे तक इसमें CPU इंटेंसिव काम करने के बाद, अगर मैं इसके टेम्परेचर के बारे में बात करें 41, 39, 38, 39, 38, 39, मतलब वही 40 से 41 के आसपास टेम्परेचर है। और हाँ एक और चीज, AC फैन टोटली सब कुछ ऑफ है, मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ये वीडियो में बना रहा हूँ। और इस जगह देख सकते हैं ये जो गेम प्ले में लगातार पिछले 45 मिनट से स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके कर रहा हूँ। तो इधर से हम ये चीज कह सकते हैं
इस स्मार्टफोन का जो गेम प्ले वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, जीरो फ्रेम ड्रॉप या फिर ऐसा कुछ इशू आपको मिलेगा, और आप देख सकते हैं एकदम स्टेबल 60 FPS पे आपको गेम प्ले करने को मिलेगा। वैसे अगर आप कॉल ऑफ ड्यूटी खेलेंगे सिर्फ उसमें ही आपको 90 FPS मिलेगा, वरना बाकी हर एक गेम में आपको 60 FPS ही देखने को मिलेगा, और टेम्परेचर मैक्सिमम 40 से 41 के बीच में एकदम रूम टेम्परेचर पे। और हाँ, सबसे मेन चीज अगर हम बैटरी लाइफ के बारे में बात करें तो देख सकते मैं लगभग 2 घंटे से इसमें CPU इंटेंसिव काम कर रहा हूँ, और इधर इसका बैटरी लाइफ पे एग्जैक्ट 76%, मतलब 2 घंटे में खत्म हुआ है ऑलमोस्ट 25% के आसपास, जो कि मेरे ख्याल से गेमिंग स्मार्टफोन की सबसे ठीक ठाक है। तो अभी आप मुझे कमेंट जरूर बताना कि इसके बाद आप इस iQOO Z9s Pro के ऊपर कौन सा रिव्यू आप देखना चाहते हैं, वो मैं डेफिनेटली बना दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।